तो आज हम बात करने वाले हैं जीबी व्हाट्सएप के बारे में कि जीबी व्हाट्सएप आखिरकार जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल क्यों नहीं है। दोस्तों अगर आपने भी अपने मोबाइल में जीबी व्हाट्सएप को रखा होगा तो आपको जो है यहाँ पर प्ले स्टोर पर कभी भी नहीं मिलेगा जीबी व्हाट्सएप। अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो आपने पक्का ही जो है वो उसे गूगल पर से मोड एपीके डाउनलोड किया होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर जो है वो जीबी व्हाट्सएप प्ले स्टोर पर अवेलेबल क्यों नहीं है। आज मैं आपकी इस वीडियो में यही बताऊँगा कि जीबी व्हाट्सएप आपके लिए सेफ है या नहीं है। दोस्तों अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप एक जीबी व्हाट्सएप यूज़र हो तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब पहली बात आती है कि जीबी व्हाट्सएप जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल क्यों नहीं है। अगर वो इतने ही फीचर देता है आपको, इतने सारे फीचर देता है और व्हाट्सएप की दूसरी कॉपी मान लो कि जो व्हाट्सएप जो है वो आपको फीचर नहीं देता, वो जो है वो फीचर वो आपको जीबी व्हाट्सएप देता है, दोस्तों फिर भी वो आखिरकार जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल क्यों नहीं है। दोस्तों प्ले स्टोर पर जीबी व्हाट्सएप इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि दोस्तों जो जीबी व्हाट्सएप है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो अपने पास सेव कर लेते हैं। मान लो कि आपने किसी को जो है वो कोई मैसेज भेजा या आपने कोई फ़ोटो भेजी तो वो उसके डाटा में जो है वो आपकी चैट या आपका जो आपने स्क्रीनशॉट या आपने कोई फ़ोटो भेजी होगी वो उसके डाटा में जो है वो सेव हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए ही जो है वो जीबी व्हाट्सएप जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि दोस्तों प्ले स्टोर पर जो भी ऐप्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेफ होते हैं। मान लो कि अगर आपका जो है वो कोई आप ऐप डाउनलोड करते हो वो आपके अगर डाटा को एक्सेस भी करना चाहता होगा, अगर वो आपके डाटा को जो है वो अपने डाटा में सेव भी करना चाहता होगा तब भी वो आपसे पहले परमिशन मांगेगा। जब तक आप उस ऐप को जो है वो अलाउ नहीं करते कि आप मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप मेरी गैलरी में जा सकते हो, जब तक आप जो है वो अलाउ नहीं करते तब तक वो जो है वो आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अपने डाटा में जो है वो सेव नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये जो जीबी व्हाट्सएप है ये कोई भी परमिशन नहीं मांगता, ये आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अपने डाटा में स्टोर कर लेता है। दोस्तों अब आप बोलोगे कि मेरे साथ तो अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, पर दोस्तों ये 100 में से एक बंदे के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो आपकी खतरे में पड़ जाए क्योंकि दोस्तों आप जो है वो कई बार जीबी व्हाट्सएप पर जो है वो अपनी बैंकिंग डिटेल भी जो है वो किसी को शेयर करते रहते हो। दोस्तों इसलिए आपको ये खतरा ही रहता है क्योंकि दोस्तों वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अपने डाटा में स्टोर कर लेता है। इससे दोस्तों आपको जो है वो कभी ना कभी खतरा ही रहता है कहीं आपका ये जो है वो उस डाटा का जो है वो मिसयूज ना कर ले, क्योंकि दोस्तों ये जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, ना ही आप जो है वो इसका कुछ कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप जो है वो जीबी व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके जो है वो सिंपल व्हाट्सएप को रखो, वो आपकी जो है वो चैट्स को और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो अपने डाटा में स्टोर नहीं करता। अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र हो तो आप जीबी व्हाट्सएप को जो है वो अनइंस्टॉल कर दें, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, पर मैंने आपको बताना था कि जीबी व्हाट्सएप के जो है वो ये नुकसान है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही अच्छी वीडियो लेकर आता रहता। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।